गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त खान बीस्ट। अभी नया वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं और बहुत अच्छा कंटेंट है। कौन सा सोसाइटी? ये एस के गिरनार सोसाइटी ओके है। और ये 2 BHK फ्लैट है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ओके है यहाँ पे। और ये हमारे दीपक भैया हैं और ये निज़ाम भाई हैं, तो इन्होंने पूरा इंटीरियर का काम किया है इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक जल्दी से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक कम्प्लीट टूर देता हूँ फ्रॉम डोर से और पूरा फ्लैट का। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को फ्रॉम बिगनिंग ऑफ दिस फ्लैट। अभी ये बिगनिंग का है, अभी कुछ बताओ आप इसके बारे में। ये हमारी मेन एंट्री है ओके okay. जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इसके थीम के अकॉर्डिंग रखा गया है मेन एंट्री का डोर जी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इस वॉल पे। तो ये जो वॉल है पूरी, ये जो है पैनलिंग, चारकोल पैनलिंग के साथ इसको पूरी को मॉडिफाई किया गया है okay. ताकि आपके इसमें जो हमारा DB बॉक्स वगैरह जो MCB बॉक्स था वो यहाँ पे प्रॉपर फिक्स कर दिया गया है जी, ताकि वो देखने में और भी बहुत अच्छे लगे। फिलहाल मैं इस स्टेप पे आता हूँ, काफी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने पे लगा। यहाँ पे अवार्ड रख सकते हो, कुछ भी अगर फोटो एल्बम या रिमोट सब कुछ रख सकते हो, ये काफी अच्छा। इसमें क्या क्या वर्क किया गया दीपक भैया? इसमें आपका जो है पूरा बॉक्स बनाया गया है और इसमें बैक साइड में आपका मिरर दिया गया है और उसमें ग्लास के पार्टीशन डाल दिए गए हैं okay. और ऊपर इसमें लाइट का प्रोविजन दिया गया है ताकि आपका जो इसमें एंटिक पिक्स वगैरह हम रख सकते हैं तो वो फोकस लाइट उनको प्रॉपर फोकस दे तो वो देखने में अच्छा लगे ओके okay. काफ़ी अच्छा लाइट लगाया आपने। और नेक्स्ट कम टू द TV पैनल के बारे में आप बताओ, काफ़ी अच्छा वर्क लगा मुझे ये भी। ये जो TV पैनल है ये 8 फुट का है और okay. इसमें जो है 55 इंच TV के हिसाब से, 55 इंची LED के हिसाब से ये बनाया गया है ओके okay. ताकि इसमें हमारा 55 इंची TV भी आराम से लग सके। और इसमें जो बैक साइड में जो है वो ग्रे कलर की माइक लेमिनेट दिया गया है, स्पार्कल okay. माइक का, और वाइट कलर की जो ये TV का बेस दिया गया है, ये स्ट्रिप गोल्डन स्ट्रिप के साथ इसको पूरी थीम को मैच करते हुए गोल्डन स्ट्रिप इसमें दी गई है। अभी मैं देख सकता हूँ कि इस पे 55 इंच की TV आ सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट 55 भी या 32 इंच भी जो आप डाल सकते हो। और यहाँ से काफ़ी अच्छा स्पेस है, पीछे सोफ़ा भी है, आप यहाँ से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अभी स्टोरेज भी अच्छा इन्होंने दिया है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया गया है ताकि आपके जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह हैं वो यहाँ पे अच्छे आ सकें, सेट अप बॉक्स वगैरह रिमोट वगैरह आप यहाँ आराम से रख सकते हैं। इवन आप PS4 अगर कोई प्ले स्टेशन या CD का भी आप रख सकते हो यहाँ पे, और फ्लावर वगैरह भी रख सकते हो। काफ़ी अच्छा पैनल इस पर देखने में लग रहा मुझे। और नेक्स्ट कम टू द ये भी पार्टी से, ये जो है हमारा यहाँ पे बालकनी का डोर था जो पूरा एल्यूमिनियम उसकी UPVC की जो हमारी स्लाइडिंग थी उसमें okay. हमारा फिक्स पैनल इस साइड में था okay. जिसे हमने बाद में चेंज करके okay. इस साइड कर दिया है और हमारा जो स्लाइडिंग डोर है वो जी. इस साइड कर दिया गया है। ये एज इट इज पहले बिफोर मतलब ये बालकनी था, इसको आपने कन्वर्ट किया मंदिर में? इसको कन्वर्ट किया okay. वो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ओके, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी कि घर में मंदिर का जो स्पेस है कि वो उसको कहाँ रखा जाए मंदिर को, तो एक ये जो हमारे ड्राइंग रूम के साथ जो हमारी बालकनी थी तो ये सबसे अच्छा स्पेस यहाँ पे हमें लग रहा था मंदिर बनाने के लिए, तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको पूरा चेंज किया गया है और इसको पूरा एल्यूमिनियम कवरिंग से हमने इसको कवर किया है पूरा, इसके सारे दरवाजे इसके सारी वाल जो है एल्यूमिनियम कवरिंग से हमने कवर करके इसको पूरा बनाया है। और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है कि बाहर से एक सनलाइट भी आ रहा है बिल्कुल, तो सुबह सुबह आदमी पूजा करने में भी मन लगेगा उसका बिल्कुल, काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ हमने यहाँ पे जो है इसको CNC कटिंग के साथ इसको पूरा बनाया है, इसमें छत में भी पूरी CNC कटिंग दी गई है ताकि इसको अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए ओके। आप देख सकते हैं इसमें नीचे आराम से कि बैठ के भी पूजा की सके, उसके सामने इतना स्पेस रखा गया, इवन 3 लोग आ सकते हैं आराम से बच्चे के साथ, छोटे फैमिली के लिए बेस्ट है। और मेट्रो सिटी में ये इतना बहुत है, बहुत बालकनी को कवर किया है ताकि इसमें अगर हमारे मेंटेनेंस के पाइप वगैरह भी आए तो ताकि इनको हम खिड़की विंडो दे दिया है ताकि इसमें आराम से आप मेंटेनेंस का कोई भी वर्क आराम से प्रॉपर हो सके, इसमें भी प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ ही हमने जो है ना बालकनी को इस तरह से रखा है ताकि इसमें आपका ये जो पल्ले हैं इसमें
आपका एक ग्लास का डोर लगाया गया है और एक मॉस्किटो के लिए लगाया गया है ताकि आपकी हवा वगैरह भी प्रॉपर हो सके, ताकि आप जैसे पूजा वूजा करते हैं तो धूमबत्ती अगरबत्ती या कुछ हवन वगैरह करते हैं छोटा, तो आपका धुआं वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा ना हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये 5-सीटर सोफ़ा भी है, काफ़ी अच्छे से रखा गया, एक छोटी फैमिली बैठ सकती है या कोई आपका दोस्त भी आएगा। और ये टेक्सचर इसके साथ जा रहा सोफ़ा भी, आप चेंज कर लो कलर के हिसाब से, बट ये इसका जो भी कवर है सोफ़ा का वो वॉल से मैच कर रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छा दीपक भैया ने काम किया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। और यहाँ से देख सकते हो काफ़ी स्पेस है, यहाँ से पूरा आप देख सकते हो पूरे फ्लैट को, यहाँ पे एंजॉय करे आदमी टीवी और प्लस यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। यहाँ से इसके बारे में कुछ बता सकते हो निजाम भाई? ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, हमने इस वॉल पर वॉलपेपर लगाया है जी, और वॉलपेपर से इसको पूरी वॉल को हमने कवर किया है। ओके। और इसके साथ में इसी से मैच करते हुए हमने चारकोल से पैलिंग की है इस वॉल पर, और इसमें बीच में गिलास लगाया है हमने सामने वाली वॉल पर। अच्छा हाँ, और चारकोल इसकी साइड में है। ओके। पूरी वॉल आपने दिया है? हाँ जी। ओके। इसी से मैच करते हुए हमने ये लैंप लगवाया ऊपर जी, इसमें गोल्डन कलर में, और इसी से मैच करते हुए ऊपर पीओपी में भी कलर का, ये पीओपी का काफी अच्छा डिजाइन दिया। ये झूमर भी आपने ही दिया? हाँ जी, काफी अच्छे थीम पे दिया यार, बहुत प्यारा लग रहा। और एक चीज मुझे गाइस यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, ये आजकल काफी ज्यादा चल रहा है फ्लैटों में, तो इसके बारे में निजाम भाई कुछ बताओ ये टेक्सचर के बारे में। इस पे पहले हमने क्या किया है, पूरी वॉल को इसको हमने पिलाई से कवर किया है। ओके। उसके बाद हमने इसकी साइडों में चारकोल से कवर किया है इसको, बीच में हमने गिलास का डिजाइन बनवाया है इसमें, ये पूरी वॉल पर आया हमने गोल्डन कलर में। ये पीसेस आते हैं उसके बाद आप फिट करते हैं? इसका सीट का साइज आता है, ये 8 फीट लंबा है 3 फीट चौड़ा है, इस पर कटिंग कर करके इस पर वेबलिंग लगती है, जब इसका डिजाइन बना करके इसको सेट किया जाता है इस पर पूरी वॉल पर, और साइडों में इसमें चारकोल लगाई है हमने। okay. इसकी पूरी वॉल को हमने ये गोल्डन कलर में कवर किया है गिलास और विद चारकोल। okay. और इसके साथ में ही हमने इसको मैच करते हुए वॉलपेपर भी गोल्डन कलर में। काफी अच्छा ये टेक्सचर मुझे लगा, ये गिलास वाला बीच मिड वे गिलास और साइड साइड वॉलपेपर का काफी अच्छा है। ये भी ऐसी टेस्ट, मतलब दूर से कोई देखेगा तो उसको भी ये भी ग्लास लगेगा, ये भी ग्लास वर्क है? हाँ जी। ओके। ये भी और स्विच भी काफी अच्छे जगह पे सेंटर में, ये ग्लास का उसके बाद फिर से, और ये सबसे अच्छा यहाँ से आप बैठो तो ये अलग ही फील दे रहा है यहाँ पे। हाँ जी। ये आर्टवर्क और कब सबसे ज्यादा वॉल पे यही मैक्सिमम वॉल कवर कर रहा था, तो ये टेक्सचर आपने दिया काफी अच्छा। अगर ये वॉशरूम में लेके चलते हैं, ये हमने वॉशरूम में ये हमारा कैबिनेट बनाया है हमने। okay. इस पे मिरर लगाया है हमने चारकोल से, इस पे बॉर्डर बनाया है इस पे, और अंदर ये बॉक्स है हमारा। अच्छा। हाँ, स्टोरेज के लिए भी काफी स्टोरेज अच्छा के लिए। हाँ। ओके। हाँ, तो ये पूरा हमने लाइट वगैरह लगा करके पूरा कंप्लीट किया है इसको हमने। ओके। आप देख सकते हो घरों में आप लगवा सकते हो, ऐसा काम करवा सकते हो। हाँ जी। उसके बाद ये भी, उसके बाद इन पर डोर पे हमने पेंट किया है प्लस डोरों पे। ओके। व्हाइट कलर का इनकी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, व्हाइट कलर का हमें पेंट चाहिए, इसको हमने पेंट से पूरा कवर किया है। देख सकते हो काफी अच्छा व्यू आ रहा है पूरा, काफी एक एम्बियंस वाला फील आ रहा है। ये पूरा टेक्सचर मुझे सबसे अच्छा लगा इनका थीम, जो भी क्लाइंट है अभी उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। काफी अच्छा इंटीरियर वर्क किया गया है। हॉल है, हॉल से ही अटैच, मतलब ये किचन है, काफी अच्छा। किचन के बारे में हम बताएंगे, किचन के बारे में हमने ये किचन स्टार्ट किया है इधर से। ओके। किचन में हमने ये दो कलर रखे हैं, एक तो ग्रे कलर है, एक इसका व्हाइट हाई ग्लोस कलर है। ओके। इसका जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थी। ओके। ठीक है जी। और इसमें हमने पूरी किचन को ऊपर तो व्हाइट शेड दिया है, ऊपर ग्रे कलर का बॉर्डर दिया है, नीचे इसमें हमने ग्रे कलर से कवर किया है इसको। इसमें हमने इनोटेक वगैरह ये चलाई है, सब इनोटेक लगाई है ये।
और इसमें हमने इसको पत्थर को भी चेंज कर दिया है वाइट कलर का, और इसमें हमने होक वाला चूल्हा लगाया है जो इसके अंदर सिप फिट हो जाता है, और यह हमने चिमनी लगवाई है। इसी के साथ में हमने ये वाइट कलर की टाइल्स लगवाई है, सब चेंज कर दिए हैं। ये हमने ऑटोमेटिक चिमनी लगवाई है इसमें, ओके, ये चूल्हे का पूरा मैच, ये सेंसर पे इसमें है पूरा ऑफ हो गया सेंसर बेस में, ये अगर सपोज ये जलाते हैं तब भी वो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी के साथ में हमने एक क्रोकरी का छोटा सा डोर लिया है, ओके, इसमें ब्लैक कलर का मिरर लगाया हमने, और ये हमारा बर्तनों का स्टैंड के लिए ये हमने पूरा जी स्पेस छोड़ दिया है। निजाम भाई मैं देख रहा हूँ काफी अच्छे से सीक्वेंस में आपने इसको अरेंज किया है जी, बहुत स्पेस हमारे पास कम है, 1000 स्क्वायर फीट में बहुत कम स्पेस होता है, बट आपने काफी अच्छे से इंटीरियर इसको करके दिखाया, किचन कितना मॉड्यूलर किचन, इवन आपने स्पेस भी काफी अच्छा दिया है, डोर के लिए काफी अच्छा सामान के लिए दिया है, फ्रिज भी आ सकती है, बड़ी फ्रिज भी आ सकती है, छोटी भी फ्रिज आ सकती है, काफी बड़ा लग रहा है किचन। ये हमने सिंक के लिए जगह दी है इधर साइड में, पहले ये लेफ्ट साइड में थी इधर जी एल टाइप में, हमने इसको इधर से हटा करके इधर लेफ्ट साइड में फिट कर दिया इसको सिंक को हमने। सो गाइस ये किचन से अटैच ही किड्स रूम है, अभी मुझे दीपक भाई दिखाएंगे किड्स रूम। वाओ काफी अच्छा लग रहा है यार, एक बार आप देखो खुद, उसके बाद मैं डिटेल आपको देता हूँ इसका, एक बार देख सकते हो 360 काफी अच्छा, पीछे टेबल है स्टडी टेबल, बच्चा पढ़ सकता भी है, और ये वॉल पेंट वॉल भी काफी अच्छा है, और ये यहाँ पे ड्रॉर भी दिया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं जानता हूँ इनसे, दीपक भैया से, कि इस पे कौन कौन सा काम किया गया, कैसे कैसे। दीपक भैया आप बताओ कुछ इसके बारे में। ये हमारा कॉमन बेडरूम है जिसको हमने स्टडी रूम भी, इसमें उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी टेबल भी बना रखा है इसमें जी। और पूरा हमारा जो रूम रखा गया है वो हमारी व्हाइट एंड पिंक कलर की थीम में रखा गया है, ठीक है सर। और इसमें हमारी जो ये वार्डरोब थी ये व्हाइट कलर की रखी गई है, इसका जो बॉर्डर है वो हमने पूरा जो है पिंक कलर का दिया है, और इसमें ब्लैक कलर की हमारी टी रखी गई है, प्रोवाइड की गई है, ठीक है सर। और इसको हमने ये जो फिल्टर से हमें जो मिली थी उसको हमने तीन पार्ट में बनाया है जी, ठीक है सर। वार्डरोब को इसको तीन पार्ट में आपने किया है, ये तीन पार्ट में बनाया, एक और दो पार्ट में इसकी ये है, और एक पार्ट में हमारा ये इसमें रखा गया है। इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं उसमें हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज भी है जो पीछे रखा गया है। इसमें क्या है कि जो बिल्डर ने दिया है वो आगे इसमें बीम दे दिया था, बीम के पीछे का स्पेस जो है वो खाली चला जाता है काफी टाइम, लेकिन उसको भी हमने मैक्सिमम की हमारी स्टोरेज यूज हो जाए उसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको बनाया है पूरा। ये तो काफी अच्छा है, और ये पूरा हाइड्रोलिक रखा गया है इसको। अच्छा हाइड्रोलिक पे है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है यहाँ पे बेड, वो दो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और जो इसकी जो बैक की वॉल रखी गई है वो पूरी ग्रे कलर की, इस पे टेक्सचर पेंट रखा गया है जो जिसपे हमने लैंप दिया है, और पूरे उसको व्हाइट और ग्रे की थीम से भी थोड़ा मैच करते हुए रखा गया है। अब आते हैं हम इस साइड, यहाँ पे हमने ये स्टडी काउंटर बनाया है जो कि हमारा फोल्डेबल है, जिसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं डाउन करके, हमारी ये जो टेबल है इसको बाहर निकाल के हम इसको डाउन भी कर सकते हैं। ये दो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि दो बच्चे इसमें आराम से बैठ के डिवाइड कर दिया है, बीच में टेबल लगा के कि एक इधर और एक इधर आराम से स्टडी यूज कर सके। सेल्फ दिया गया है ताकि इसमें जो है आपकी बुक वगैरह यहाँ पे आराम से रखी जा सके, और ये जो हमारी जो है ये सेल्फ यहाँ पे दे दी गई है स्टोरेज के लिए। ये हमारा कुछ एंटिक पीस वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा बॉक्स रखा गया है, जिसमें भी पीछे ड्राइंग रूम की तरह यहाँ पे मिरर का यूज किया गया है, और इसमें एक लाइट का प्रोविजन ऊपर दे दिया गया है, और इसमें ताकि यहाँ पे हमारा फ्लैट 2BHK ही है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा स्टोरेज कम पड़ रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज को मैक्सिमम दिया गया है। देख सकते हो आप काफी अच्छा स्टोरेज इन्होंने दिया है, और पिंक व्हाइट पिंक काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन मुझे लगा, और ऐसा नहीं है कि स्टडी रूम भी एक अच्छा होना चाहिए, कलर अलग कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब ये माइंड के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चों के हिसाब से,
बहुत प्यारा कलर लगाया आपने, थीम लगाया, ये सबसे मुझे अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट। ये स्टडी रूम मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल, गाइस मैं पूरे फ्लैट में देखा कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने सेल्फ का अरेंजमेंट, बेड का अरेंजमेंट, इवन टेक्सचर, लाइटिंग का सारा चीज़ का ध्यान दिया है। तो काफ़ी दिन, कितना दिन लगा होगा दीपक भैया ये बनाने में पूरा? ये इसमें लगभग हमारा एक मंथ पूरा लग गया है इस फ्लैट को रेडी करने में हमारा। अच्छा, क्योंकि एक मंथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। लगभग एक महीना हमारा लग गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, उनको सबको ध्यान में रखते हुए उनको छोटी छोटी चीज़ों को हमने काफ़ी उसके साथ कंप्लीट किया है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारी जो छत थी, जो फॉल सीलिंग थी, वो हमने पूरी चेंज कर दी है यहाँ पे, उसको फॉल सीलिंग वगैरह पूरा प्रॉपर्ली करके, उसको पूरा फॉल सीलिंग करके हमने कंपनी में यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह के साथ पूरा डेकोरेट किया है इस रूम को। उसमें एक्स्ट्रा लाइट वगैरह के लिए सारे डाले गए हैं, और इस बीच में यहाँ पे कुछ कलरफुल लाइट्स दी गई हैं, स्टोरेज दी गई है, वो हमारी पुश टू ओपन और पुश टू क्लोज रखी गई है, ताकि हम इसे इजीली यूज कर सकें। जो किड्स वाला आपने देखा इससे पहले, अभी ये मेन मास्टर बेडरूम है, तो लेके चलेंगे हमारे निजाम भाई कुछ बताएंगे। चलो इस रूम से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इस रूम में हमने इसी वॉल से अटैच ये एक्स्ट्रा वार्डरूम बनाई है। ओके, एक्स्ट्रा अलमारी, ठीक है। इस पूरी अलमारी में हमने स्लाइडिंग डोर वाली अलमीरा, अच्छा यहाँ पे स्लाइडिंग दिया है, स्लाइडिंग अलमीरा। ओके, ठीक है। इसके साथ में हमने इसमें ऊपर स्टोरेज के लिए बॉक्स बनाया है। ओके, पुश वाला इस पे भी सेम सिस्टम है। हाँ, इसमें और इसी के साथ में हमने स्टोरेज के साथ साथ में ड्रेसिंग दी है। ये अच्छा, ड्रेसिंग भी दे दिया है। ये ड्रेसिंग दी है हमने, इसमें ड्रेसिंग के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, इसके साथ में हमने नीचे एक ड्रॉवर दी है। ओके, एक ड्रॉवर के साथ साथ में हमने एक डोर दिया है, एक कैबिनेट भी दे दिया है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए ओके, काफी अच्छे से आपने स्टोरेज को मैनेज किया इस पूरे फ्लैट में। इसी से मिलता हुआ कलर हमने इसी से सेम अटैच ये हमने टेक्सचर दिया है वॉल पर। ओके, ये हमारा ये तो टेक्सचर काफी अच्छा लग रहा मुझे। हाँ, तो ये टेक्सचर बनवाया है हमने। ओके ओके, इसी से मैच करते हुए हमने इसी अलमीरा को बनाया है, इस पर हमने टी का डिजाइन डाला है ये, और पर्पल कलर का हमने बॉर्डर दिया है इसमें, इसी से मैच करते हुए हमने, और ये अलमीरा के व्हाइट डोर बनाए हैं। ओके, इस रूम में दो अलमीरा दिया आपने जी, इसको भी यूज किया गया बालकनी में कि ऐसे पर बिल्डर ही दिया था दो अलमारी? बिल्डर ने दिया है, दो अलमारी स्टोरेज दिया है हमने। ओके, और इसी से मैच करते हुए हमने पर्दे कर्टन भी काफी अच्छा डाला है। बिल्कुल, पूरा इसका थीम ही मतलब इस वाले रूम का मैं देख रहा हूँ कि आपका व्हाइट और वायलेट का ऊपर हमने पीओपी में पूरा व्हाइट कर दिया है, इसमें कोई कलर नहीं है, जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की। और इसी के साथ में हमने ये बाथरूम में बॉक्स, अच्छा ये अटैच वॉशरूम है मिरर वाला, इसमें हमने मिरर लगाया है इस पर फ्रंट पर, और इसमें पीछे स्टोरेज के लिए हमने स्टोरेज लिया। हाँ जी, इसमें हमने और ऊपर हमने इसमें लाइट दे दी है। ये प्लाई कौन सा वर्क किया गया आपने? ये हमने प्लाई बोर्ड एचडीएमआर में हम इसको बनाते हैं बाथरूम में, जो बॉक्स बनाया एचडीएमआर बोर्ड में, और लैमिनेट हम इसकी मरीन की यूज करते हैं। अच्छा, मरीन की। हाँ, चलिए विद लाइट इसके साथ। ओके, लाइटिंग आपने ही दिया है? हाँ जी, ये लाइटिंग आपने ही लाइटिंग का, ये लाइटिंग आपने ही दिया है? हाँ जी, ये लाइट हमने बिल्डर ने नहीं दिया है? नहीं नहीं, बिल्डर ने नहीं, ये हमने लाइट लगवाई है। थीम अलग ही लग रहा है मुझे बिल्कुल, हर वॉल को अलमीरा के साथ में वॉल को और ये वाली अलमारी को, फिर सबको हमने एक साथ कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाई है। देख सकते हो गाइस, स्विच बोर्ड इस बोर्ड पे था, मेन वाले यहाँ होगा, मेन वाला था, बट आपने यहाँ पे डाला है, उसको हमने साइड में अलमीरा के साइड में दे दिया है, फिक्स कर दिया है। काफी अच्छे से इसको मैनेज किया आपने। तो गाइस काफी अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ से पूरा रूम को काफी अच्छा फील आ रहा है, एक लग्जरी क्लास टाइप में, जैसे बड़े अपार्टमेंट में उस टाइप का फील आ रहा है। ये पूरा सबसे अच्छा वॉल सीलिंग काफी अच्छे से दिया है, सिंपल है बट काफी अच्छे से।
ये कटिंग भी आजकल डिजाइन चल रहा है, यहाँ पे आप लाइट भी डाल सकते हो, इन फ्यूचर इनो ये क्लाइंट भी डालेंगे और ये पूरा देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है। और ये आर्ट वर्क और जो भी बोलो वॉल का पेंटिंग काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर लगा मुझे पूरा देख सकते हो पूरा फ्लैट को। स्पेस सबसे अच्छा मुझे इस पूरे फ्लैट में थीम इनका अच्छा लगा, स्टोरेज और एक एक चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा लगा, वायरिंग का कहीं नहीं दिख रहा, स्टोरेज के सब आपने ध्यान बहुत अच्छा दिया, पूरा वायरिंग इसमें हमने सब अंदर अंडरग्राउंड करवाया, इवन एक भी वायरिंग नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे अलग से एसी के लिए है, एसी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन छोड़ दिया है, एसी लग जाएगा। ओके, और इसमें हमने पीओपी का डिजाइन ये क्लाइंट का अकॉर्डिंग ये बनवा दिया है। ओके, पीओपी का डिजाइन इसमें हमने, ये फायर का भी आपने दिया है? हाँ जी, फायर को हमने पहले इसमें छोटा स्मॉल साइज था, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया है इसको जी, फायर का हमने देख सकता हूँ, अलमीरा से आगे निकाल दिया है, अलमीरा के अंदर। इवन आपने वाटर के लिए भी अलग से कर दिया है, हाँ, इसे भी किया मैनेज किया वाटर के लिए भी अलग, कोई भी छिड़कानी मतलब वो नहीं किया गया, बट उसको हाँ, सारी सेफ्टी मेजरमेंट देख हाँ, के ध्यान सेफ्टी के साथ में ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस अभी जस्ट मैं यहाँ पे बैठा था, सारी टीम है और जो इंटीरियर इस घर का किया है, और सबसे पहले मैं इनके इस घर के ऑनर से आपको मुलाकात करवाता हूँ। आपका गुड नेम सर? पंकज सिंह। ओके, आपने इनसे कैसे कॉन्टेक्ट किया, दीपक से और ये? मैंने फर्स्ट टाइम नजानो भाई से मिला। ओके, और मैंने इनको बताया कि घर के लिए जी, इन्होंने पूरे डे वन से जी एक एक चीज बताया, और जो जो चीज मैंने उनको बताया वो चीज बनाया इन्होंने घर के जी, बहुत अच्छा मुझे घर लगा। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, साथ में दीपक भाई है, दोनों मिलके ये काम किए हैं, सारा करवाया जी। सर मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इस मेट्रो सिटी में अब ये काम का ट्रेंड चल रहा है इस टाइप का इंटीरियर का, तो आपका थीम मुझे पूरे घर में काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक वाइट और ग्रे का ये थीम बहुत अच्छा लगा मेरे मेंटालिटी से। अगर कोई वीडियो देख रहा हो सपोज, तो उस तरह की इस आइडिया से अपना करवा सकता है, आपने मंदिर भी डलवाया प्लस ये आप घर के लिए टीवी पैनल काफ़ी अच्छा पैसा इन्होंने लगाया है, और आपको भी डिटेल मिल जाएगा, खुद पता चल जाएगा अगर जिसने काम करवाया इंटीरियर का तो। और कुछ आप सबसे ज़्यादा एक एक चीज़ मंदिर से लेके जी किचन जी, और आपने जो बताया कि वाइट और ग्रे हमारा जी, जिसमें सारा का सारा जो था वो नजमुद्दीन भाई और दीपक भाई के सजेशन था। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने यस बोलते गए और आगे प्रोसेस होते रहा और बन के आज बढ़िया तैयार हो गया जी, है ना, बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल मुझे एक चीज़ और भी बहुत अच्छा लगा, आपने स्टडी टेबल मतलब बनवाया किड्स के लिए, वो बहुत सिक्वेंस में है, मल्टी रखा है, आपके पास दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, इवन फोल्डेबल भी है। हाँ, स्टडी तो, में रीज़न क्या है कि आप फोल्डेबल है जी, कभी भी आप बैठा सकते हो और उठा सकते हो। और सबसे अच्छा मुझे बेस्ट पार्ट आपके पूरे फ्लैट में आपका ड्राइंग रूम मतलब मेन बेडरूम जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, उसका वो जो वॉल दिया गया है वो बहुत प्यारा है, अगर एक पार्ट से आप खड़े होके देखोगे आपके रूम में मैंने देखा तो बहुत यूनिक स्टाइल मिलेगा। और सबसे अच्छा इस पूरे फ्लैट में कि स्टोरेज का कोई कमी नहीं आया, जिस हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट है और इन्होंने इतना अच्छे से उस मैनेज किया है, आपको खुद काम देखा होगा आपने, बिल्कुल अच्छा लगा, और वायरिंग काफ़ी अच्छे से किया, इवन फायर का एक्सटिंगुइशर आप देख रहे होगे उसको भी अलग से इस पर पीओपी में डाला गया है, सेफ्टी को कोई छिड़कानी नहीं किया गया प्लेटफॉर्म में, ये बहुत बेस्ट मुझे लगा। और कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि रॉ फ्लैट दिख रहा है, फिनिशिंग इवन सारे टच। और कितना दिन में लगा? डे वन से इन्होंने काम किया जी, जब से इन्हें काम स्टार्ट किया बहुत कम टाइम में मुझे इन्होंने फ्लैट 1.5 महीने के अंदर अंदर दे दिया। ये तो गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा है। अगर सपोज मैं नाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ, अगर 4 BHK का 3 BHK का कोई मेरा सब्सक्राइबर देख रहा वीडियो, अगर उसका इंटीरियर का इसी तरह का करना हो या थोड़ा इससे एडवांस करना हो या इससे थोड़े से बजट में करना हो तो आप क्या करोगे? 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने में कर देते हो? 2 महीने में फुल इंटीरियर करते हैं। ओके, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर को कि आप इनसे कॉन्टेक्ट करो, और इनके सारे कॉन्टेक्ट मैं डाल दूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे ट्रस्ट पे, काम में कोई ख़राबी नहीं आएगा आपको और नंबर वन काम मिलेगा आपको। दीपक हैं भाईजान और इनकी टीम है, आपका नाम? जफर जफर भाई,
कासिम भाई और ये निजाम भाई, ये चार लोग की टीम है और बहुत सारे बीच पीछे बिहाइंड द सीन काम करते हैं, बट बेसिकली ये लोग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, कुछ अपना हैंडवर्क काम करते हैं। और सर आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया ये चीज़ को सूट करने के लिए। और आप इस इंटीरियर के बारे में बताओ कुछ, आप कितना परसेंट सेटिस्फाई हो? मैं इस इनके इंटीरियर से 100% सेटिस्फाइड हूँ जी। इवन मैं इस फ्लैट का ऑनर नहीं हूँ, बट मुझे काम ऐसे व्यूअर, ऐसे फर्स्ट टाइम कोई भी आएगा ना तो बहुत अच्छे से पसंद करेगा। मंदिर है काफी सिस्टमेटिक, कम टाइम में और कम जगह में मंदिर बहुत प्यारा बना है इन्होंने, बहुत प्यारा है, टीवी पैनल से लेके हर चीज जी। और सबसे यूनिक एक और चीज है हमारे पास जी, कि जो चारकोल है जी, ये चारकोल मुझे यूनिक लगा पूरी फ्लैट के अंदर। अच्छा, सबसे ज्यादा यूनिक चारकोल और चारकोल का मंदिर लगा मुझे, बीच में गिलास का डिजाइन। हाँ, बीच में गिलास के भी डिजाइन है। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे अच्छा मुझे मंदिर का, एक जिस हिसाब से सेट किया गया है उन्होंने, बालकनी में सेट किया हो, बहुत काबिली तारीफ है इस काम का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नाइस टू मीट यू एवरीवन, आप लोग टाइम दिए, और भी वीडियो आपके लिए गाइस लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहूँगा मैं, और भी इंटीरियर अच्छे अच्छे काम दिखाते रहूँगा। निज़ाम भाई और दीपक भाई हेल्प करेंगे, ऐसे ऑनर से भी मिलवाते रहूँगा आपको, उनका फीडबैक भी लेके दिखाऊंगा, कि ऐसा ना लगे कि मैं 100 मतलब फेक कोई बना रहा वीडियो, ट्रस्ट करो तब आप करो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जी, दीपक भाई और नजमुद्दीन भाई के लिए जी थैंक्स बोलना चाहूँगा, ओके, जो कम टाइम में इतना प्यारा बना के, बहुत प्यारा दिया भाई, 1.5 महीने में 1 महीने में बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन किया है, काबिले तारीफ है इसका।